तो लोक आस्था का महापर्व छठ पर घर जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। तो दिल्ली आनंद विहार समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी का जायजा लिया हमारी संवाददाता फराह खान ने। छठ का आस्था देखने को लोगों में मिल रही है। आप देख सकते हैं लगातार लोग प्लेटफॉर्म पे आते जा रहे हैं। 10 मुश्किलें उनके सामने हैं, रिजर्वेशन में ट्रेनें लेट हैं, उसके बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है। लोगों को अपने घर जाना है, जल्दी है। हम इस टाइम आनंद विहार के रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और यहाँ से भागलपुर के लिए जो ट्रेन है वो जा रही है। और आप देख सकते हैं कितने सारे जो यात्री हैं वो आए जा रहे हैं। मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है क्योंकि हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है। लोगों के लिए ये पर्व बहुत बड़ा होता है, ये महापर्व होता है। पूजा करते हैं लोग तो लोगों का जाहिर है अपने घर में जाना। यहाँ पे तमाम लोग भी मेरे साथ हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगी, आप लोग छठ के लिए बाहर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। तो कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा रिजर्वेशन को लेकर या कुछ भी? नहीं, हम लोग तो 4 महीना पहले करा लिए थे। 4 महीने पहले करा लिए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप छठ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कोई दिक्कतों का सामना? बहुत ज्यादा दिक्कत, भीड़ तो देख ही रहे, अपना सीट होते हुए बैठ के जाना पड़ रहा है और दूसरा ब्रोकर से टिकट कटवाना पड़ा है। जितना भी गवर्नमेंट कर ले, सारा कहीं भी टिकट नहीं कटता, सब ब्रोकर के थ्रू कटता है। वो ज्यादा पैसा भी लेता है और उसी हिसाब से कटता है। तो आपने देखा, इन्होंने खुद बताया कि जिस तरीके से कहा गया था वो दिखा नहीं, इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसके बावजूद ये लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं, सबको अपने घर जाने की जल्दी है। तो हमने आपको यहाँ का जायज़ा लेके दिखाया, हमने आपको बताया कि लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, ना स्पेशल ट्रेन है, ना ट्रेनें टाइम पर हैं, रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहे। लोगों ने 4-4 महीने पहले रिजर्वेशन कराए हैं तो जाकर उनको टिकट्स मिले हैं। तो आज मैंने आपको आनंद विहार का जायज़ा दिखा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके की छठ पूजा की तैयारी की गई है और यात्रियों के लिए क्या इंतज़ाम है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं फराह खान, R9 TV।